देख सकते हैं कि जाने के लिए हमारे को कितना वक्त लगेगा और कैसा जो एक यूजर को करना पड़ता है। स्टेप वन, पैनिक दबाएगा, फायर सिलेक्ट करेगा और फिर सर फेस प्लीज भाई साहब। अरे विजुअल ओके private big schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. के लिए ये एडवांटेज है कि वो किसी भी समय किसी भी तरीके की इमरजेंसी होने पर, चाहे वो फायर एम्बुलेंस या पुलिस के संबंध में, वो एक अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसको लॉन्च करके और वो इमिडिएटली 24/7 स्मार्ट 24/7 के कॉल सेंटर को और ऑनवर्डली जो भी पुलिस फायर और एम्बुलेंस का कंट्रोल रूम है उनको तत्काल संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने से दो एडवांटेज हैं हमें। एक तो हमें हमारे पास जो कंट्रोल रूम में मॉनिटर लगा हुआ है वहाँ घटनास्थल की तुरंत लोकेशन पता लग जाता है। लोकेशन पता लगने के साथ साथ हमें वहाँ पर क्या शॉर्टेस्ट रूट हमें चाहिए घटनास्थल पे जाने के लिए इसका भी ज्ञान मिलता है। दूसरा, फायर सिचुएशन में बड़ी घटना है या छोटी घटना है इसका बहुत सही अंदाजा नहीं लग पाता था पहले। अब जो है इस एप्लीकेशन के जरिए व्यवस्था हो गई है कि आप कोई भी मतलब जो इसको लॉन्च करेगा वो पिक्चर को शूट करके और भेज सकता है। तो हमारे कंट्रोल रूम में पिक्चर की जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है इंसिडेंट की वो तुरंत इंटीमेट हो जाती है। 24x7 नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ऑल इंडिया, जिसके अंदर बेसिकली कोई भी अगर व्यक्ति किसी भी एक्सीडेंट हो जाता है या किसी भी सिचुएशन में है तो वो एक पैनिक का बटन दबा के पुलिस फायर और एम्बुलेंस को अपने यहाँ पे बुला सकते हैं। तो उसी टाइम अगर वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि मेरे को फायर को बुलाना है या एम्बुलेंस को बुलाना है, पुलिस को बुलाना है, जैसे वो फायर का बटन दबाएंगे तो 15 सेकंड के अंदर फायर डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम के अंदर उनको अलर्ट आ जाता है, जिसके अंदर व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का लोकेशन और व्यक्ति का फोन नंबर, ये तीनों चीजें फायर डिपार्टमेंट को मिल जाती हैं। और उसके बाद वो व्यक्ति को ऑप्शन दिया जाता है कि वो तो किस तरह का रिस्पांस देना है उनको, वो पता लग जाता है कहाँ का देना है फायर डिपार्टमेंट को, वो भी उनको फायर की इमेज देखने के बाद वो उस हिसाब से उसका। सर फेस इस तरफ, बस सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस एप्लीकेशन जो ये हमारी स्मार्ट 24/7 एप्लीकेशन है, ये पैनिक बटन दबा के बच सकता है इसके कारण। उसके बाद एक प्रॉब्लम जो आती है